बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है और शेख हसीना के हिंडन एयरबेस पर पहुंचने के बाद की तमाम गतिविधियां दिखा रहे हैं। क्या वो हिंडन एयरबेस से किसी भी समय निकलेंगी, कहां जाएंगी, ये सारी चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है लगातार। लेकिन एक त्रासदी सुनिए, बांग्लादेश पीस इंडेक्स में, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स होता है, उसमें उसकी रैंकिंग भारत से कहीं बेहतर रही, लेकिन वहां की परिस्थिति देखिए कि क्या हुआ है। शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ा है, भारत में शरण लेनी पड़ी है। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बांग्लादेश से ही जुड़ी हुई बता देते हैं। खालिदा जिया, एक तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी आप समझिए शेख हसीना की, उनकी रिहाई की के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने अभी अभी खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया है और अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या खालिदा जिया बांग्लादेश की अगली प्रधानमंत्री बन सकती है। फिलहाल तो सेना ने कमान अपने हाथों में ले रखी है, लेकिन क्या अब कमान खालिदा जिया के हाथों में जा सकती है? जिन शेख हसीना ने बांग्लादेश में गरीबी कम की, उन्हें अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा? जिन शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रगति का श्रेय दिया जाता है, उस नेता के खिलाफ विद्रोह क्यों हुआ? शेख हसीना साल 2009 से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। इस दौरान वो 5 बार बांग्लादेश की पीएम बनी। उन पर तानाशाही के आरोप भी लगे। बावजूद इसके इतनी ताकतवर नेता को बांग्लादेश की जनता के सामने घुटने टेकने पड़े और इस तरह से चुपके से अपना देश छोड़ना पड़ा। अब सवाल यह है कि शेख हसीना का क्या होगा? लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि छात्रों में शेख हसीना के खिलाफ इतने गुस्से की वजह क्या है कि लोग प्रधानमंत्री आवास में घुसकर उनकी साड़ी तक लूट कर ले गए? आंदोलनकारी पीएम हाउस के भीतर वोटिंग करते भी दिखे। उठान उठान उठान। अब ये देखिए किस तरह से शेख हसीना के भागने के बाद उनके घर में प्रदर्शनकारी दावत उड़ा रहे हैं। अब आपके सामने बांग्लादेश के एक मंत्री का घर है जिसे जनता ने आग के हवाले कर दिया। शेख हसीना को लेकर जबरदस्त गुस्से के चलते लोगों ने पहले ही अपने इरादे जता दिए थे। इस तरह बांग्लादेश में छात्रों ने जो कहा वो कर दिखाया और दुनिया ने 5 दशक बाद बांग्लादेश को इस तरह से जलते हुए देखा। जबकि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश कोटा को रद्द करके कोटा प्रणाली में सुधार कर दिए थे, जिससे छात्र शांत हो गए थे। लेकिन पिछले हफ्ते छात्रों का संगठन हसीना माफी मांगो की डिमांड के साथ सड़कों पर उतर आया। छात्रों ने मांग रखी कि शेख हसीना छात्रों से हुई हिंसा के लिए माफी मांगे और अपना पद छोड़े। इसके अलावा छात्रों की मांग इंटरनेट कनेक्शन की बहाली, कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों को फिर से खोलने और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई थी। यही नहीं, प्रदर्शनकारी छात्रों के समूह ने हसीना के इस्तीफे के एक सूत्रीय एजेंडे के साथ मंगलवार से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया था, लेकिन अचानक उस मार्च को सोमवार को रद्द कर दिया गया। सड़कों पर हिंसा शुरू हो गई, पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला तो बात और बढ़ गई। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास को बढ़ने लगे और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी गई। यही नहीं, ढाका में बांग्लादेश की संसद में भी प्रदर्शनकारी घुस गए। ये देखिए कैसे लाखों की भीड़ इकट्ठा है जो संसद में आराम से घुस गई। सेना ने भी छात्रों के गुस्से को देखते हुए कुछ भी कार्रवाई नहीं की और प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास पहुंचते उससे पहले ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया, क्योंकि वहां की जनता उनके खिलाफ गुस्से से भरी हुई है। ये महिला देखिए जो प्रदर्शनकारी छात्रों की कामयाबी पर फूले नहीं समा रही। हालात बेकाबू होने लगे तो सेना ने विपक्षी पार्टियों और आंदोलनकारियों के नुमाइंदों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद सेना प्रमुख ने कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि बांग्लादेश के जवान अपने ही संस्थापक पर इस तरह से वार करेंगे, लेकिन बांग्लादेश में सब हो रहा है, जिसके लिए उन्हीं की बेटी शेख हसीना को दोष दिया जा रहा है, जिनके तानाशाही रवैये ने उन्हें देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। आज तक ब्यूरो।
मुसीबत में जो काम आता है वही सच्चा दोस्त है। बांग्लादेश का जब गठन हुआ, बांग्लादेश जब एक राष्ट्र के तौर पर दुनिया के सामने आया, उस समय भी भारत ने मदद का हाथ दिया था। जुल्म जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से किया जाता था, उससे आजादी दिलवाई थी। एक बार फिर यह मौका है कि किस तरीके से भारत इस पूरे मामले में बांग्लादेश की मदद करे। आई अप्रिशिएट मोदी जी'स विजनरी लीडरशिप दैट कंटिन्यू टू प्रोवाइड एडेड मोमेंटम टू आवर बायलैटरल रिलेशंस। आई रिटर्न दैट इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजेस्ट नेबर फॉर बांग्लादेश। करीब एक साल पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को अपने देश का सबसे करीबी दोस्त बताया था। शेख हसीना को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि करीब एक साल बाद, जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्तों में से एक में फंसी होंगी, तब भारत दोबारा उनका साथ देगा। भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया और अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाने के लिए भारत ही आना पड़ा। मुश्किल वक्त में शेख हसीना को सिर्फ भारत याद आया, क्योंकि वो जानती हैं कि सिर्फ भारत पर ही वो भरोसा कर सकती हैं। बांग्लादेश इंडिया बायलैटरल रिलेशंस आर नोन टू बी ए रोल मॉडल फॉर नेबरहुड डिप्लोमेसी। अगर शेख हसीना समय रहते अपने देश से न निकलती तो कुछ भी हो सकता था। प्रदर्शनकारियों ने उनकी पार्टी दफ्तर को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं पर भी हमले किए गए। बात बिगड़ती उससे पहले ही शेख हसीना हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। शेख हसीना कहां जाएंगी इसे लेकर शायद किसी को भी शक था। उम्मीद के मुताबिक उनके बांग्लादेश छोड़ते ही उनके भारत आने की खबर आई, लेकिन शेख हसीना के देश छोड़कर भागने की पूरी इनसाइड स्टोरी से पता चलता है कि भारत में उनके आने को लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई थी। दोपहर में 12 बजे दिल्ली में NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रॉ चीफ, एयरफोर्स चीफ के अलावा बड़े अफसरों के साथ बैठक हुई। बैठक शुरू होने के 2.5 घंटे बाद शेख हसीना ढाका से भारत के लिए रवाना हो गयी। 5:36 पर शेख हसीना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उन्हें रिसीव किया। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो के सुरक्षा घेरे में वो हिंडन एयरबेस के अंदर गयी, जहां NSA अजीत डोभाल ने उनसे बांग्लादेश के मौजूदा हालात और भविष्य को लेकर लंबी बातचीत की। इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे भारतीय सेना की बात की जाए, वायुसेना की बात की जाए, सभी और सुरक्षा के जो तमाम जुड़े लोग हैं, चाहे BSF DG की बात की जाए, वो भी वहाँ ईस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद थे। और अभी भी जब तक शेख हसीना हिंडन से, जो उनकी बात की जा रही है लंदन जाने की, जब तक वो नहीं लंदन रवाना होती, तब तक तमाम, चाहे सेना हो, तमाम सुरक्षा बल हो और जो एजेंसियाँ हैं, वो हाई अलर्ट पर हैं। ये शेख हसीना से मुलाकात के बाद NSA अजीत डोभाल का काफिला है, जिनकी सक्रियता काफी कुछ कहती है। बांग्लादेश से भारत आने के बाद शेख हसीना कहां शरण लेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले जब भी वो मुसीबत में घिरी थी, तब भारत ने ही उनकी मदद की। इस बार भी भारत ने उन्हें निराश नहीं किया और हिंडन एयरवेज पहुँचने पर उन्हें पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई गयी। बांग्लादेशी C-130 विमान के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद पूर्वी एयरबेस से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और कुछ देर तक उस पर नजर रखी। हिंडन पहुंचने तक वायुसेना और भारतीय सेना को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। बांग्लादेश में हालात खराब, शेख हसीना के नेता और कार्यकर्ता मुश्किल में हैं। ऐसे हालात में शेख हसीना के लिए भारत से बेहतर सुरक्षित जगह दुनिया में शायद कहीं और नहीं होगी। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के संस्थापक, जिन्होंने उस दमनकारी काल से बांग्लादेश को बाहर निकाला था, आज जब उनकी मूर्तियों को बांग्लादेश में तोड़ा गया तो सब हैरत में रहे। किस तरीके से JCB से एक एक मूर्ति उनकी गिराई गई, तोड़ी गई। लेकिन याद करने वाली बात यह है कि यही शेख मुजीबुर रहमान थे जिनके अपने घर में घुसकर इनकी हत्या की गई थी, और न केवल उनकी बल्कि उनके परिवार के 18 सदस्यों की।
आधी सदी और समय का चक्र पूरा हो गया, शेख हसीना फिर बेघर हो गयी। बांग्लादेश में आरक्षण आंदोलन ने शेख हसीना सरकार की बलि ले ली और उन्हें जान बचाने के लिए अपना देश छोड़ना पड़ा। करीब 50 साल पहले सैन्य तख्ता पलट उनके पिता समेत परिवार के 18 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मुजीब की दो बेटियां शेख हसीना शेख रेहाना बच गई थी, वो भी भारत की मदद से। समय का चक्र पूरा हुआ तो शेख हसीना फिर भारत की शरण में। भारत ने साल 1975 में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद उन्हें अपने यहाँ शरण दी थी। जब शेख हसीना को उनके ही राजदूतों ने दगा दे दी थी, तब वो 24 अगस्त 1975 को अपने पति के साथ जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से भारत पहुंची। उन्हें 56 रिंग रोड स्थित एक सेफ हाउस में रखा गया। उनकी असली पहचान छिपाने के लिए मिस्टर और मिसेज मजूमदार की नई पहचान दी गई। प्रणब मुखर्जी को शेख हसीना की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रणब मुखर्जी ने हसीना के गार्जियन की भूमिका निभाने में कोई कोताही नहीं बरती। 2015 में जब प्रणब मुखर्जी की पत्नी का निधन हुआ तो शेख हसीना तुरंत दिल्ली पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में सबसे पहले आने वालों में शेख हसीना ही थी, जिन्होंने यहां गांधी परिवार से भी मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा स्थगित होने के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी सीट से उठकर सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के पास पहुंचे, पूछा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सरकार का स्टैंड क्या है। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि हालात पर हम नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही कुछ होगा आपको अपडेट करेंगे। शेख हसीना की जान बचाना भारत से उनके रिश्तों को लेकर बहुत अहम है, लेकिन उनके भारत आने से बांग्लादेश की जमात और अन्य पार्टियां खिलाफ हो सकती हैं, इसलिए भारत सोच समझकर इस मामले पर फैसला ले रहा है। आज तक ब्यूरो। आरक्षण को लेकर 1971 के जो उस पूरे आंदोलन में शामिल रहे, युद्ध में शामिल रहे, उनके परिजनों को जो आरक्षण मिलता था और मिलता आ रहा था, उसे लेकर काफी रोष रहा बांग्लादेश में, जिसकी वजह से आंदोलन होते रहे, सड़कों पर उग्र प्रदर्शन होते रहे, और जिस कारण आज यहां बांग्लादेश की ऐसी परिस्थिति हमने देखी है। पर शेख हसीना के वहां से निकलने के बाद जो तस्वीरें रही वो हैरत में डालती हैं कि किस तरीके से पीएम आवास में घुसकर लोगों ने लूटपाट की। पीएम आवास, जिसे बांग्लादेश में गढ़ भवन कहा जाता है, वहां लोगों को घुसने से रोकने वाला कोई नहीं दिखता। पीएम आवास के भीतर लोग जमकर तोड़फोड़ करते दिखते हैं। अब जैसे इस शख्स को देखिए, ये ढाका में पीएम आवास के भीतर इस बेड पर लेटकर ही खुश है। ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि जनता जो बांग्लादेश में है वो भरी बैठी थी, उसके भीतर का गुस्सा इस तरह निकल रहा है। उसे लगता है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो निरंकुश होने के साथ जनता की गाढ़ी कमाई को भी लूट लेते हैं। इसीलिए जब तानाशाही से त्रस्त जनता को मौका मिलता है तो वो भी ईमान की बात भूल जाती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह बांग्लादेश की हालत दिखती है। जैसे पीएम आवास में देखिए, कुछ जवान जनता को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश भी ना के बराबर। तभी तो जैसे इन्हें देखिए, ये यहाँ उन पैसों को निकाल रहे हैं जो अलग अलग देश की करेंसी का संग्रह पीएम आवास के भीतर है। कुछ नहीं पाए तो हाथ में मुर्गी ही लेकर बाहर आते दिखते हैं। जहाँ जिसके मन में जो आ रहा है वो पीएम आवास से उठाए लिए चला आ रहा है, फिर चाहे वो बत्तख हो या बकरी, खरगोश हो या कुछ और। जनता को लगता है कि जो बड़े महलनुमा आवास में रहते हैं उन्होंने अपने निरंकुश शासन से ही सब कुछ पाया है, इसीलिए दुखी जनता उस सुख को छीन लेने में जुटी। ढाका के पीएम आवास जिसको जो मिल रहा है बाहर लेकर चला रहा है, लाने में दिक्कत होने लगी तो लोगों ने बाहर रिक्शा कर लिया, रिक्शे पर ही सब कुछ लाद लिया। कोई पीएम आवास से फ्रिज लाद कर चला रहा है, कोई पीएम आवास से कुर्सियां लिए चला रहा है, ये आदमी अपने सिर पर पूरा सोफा ही टांग लिया, कोई शेख हसीना के पीएम आवास से एलईडी लेकर आया, कोई चूल्हा उठा कर लाया है, सजावट का गुलदस्ता तक लोगों ने नहीं छोड़ा। ये तस्वीर देखकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन हंसी मत, बांग्लादेश की हालत के बारे में सोचिए, जहां एक फैसले ने और अपनी मनमानी चलाने की सोच ने ऐसी स्थिति पैदा की कि लोग पीएम आवास से अवन तक उठा लाए, रिक्शे पर ही पीएम आवास से बक्सा उठा कर लाए, कुर्सी उठा कर लाए, गद्दा उठा कर लाए, क्यों उठा लाए। इसीलिए इन चेहरों को देखिए, ये वो जनता है जिसने शेख हसीना के खिलाफ बगावत की, जिसे लगता है कि पीएम आवास में घुसकर बाहर लाया गया ये सामान उस सत्ताधारी को हराने का मेडल या ट्रॉफी, जिसने खुद को सत्ता मिलने पर मान लिया कि अब वो जो चाहेगा वही करेगा। और निरंकुशता को हटाने के बाद बांग्लादेश ने
पैदा हुई यही हालात अस्थिर राष्ट्र का अंदेशा पैदा कर चुके, जिसका नुकसान बहुत बड़ा है।